बिलासपुर के साथ लगते राजपुरा व कोठीपुरा पंचायत में निर्माणाधीन एम्स में बाहरी राज्य के लोगों को रोजगार देने पर प्रभावित पंचायतों के लोग भड़क गए हैं। इसी कड़ी में प्रभावित पंचायतों के लोगों ने डीसी कार्यालय के बाहर विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया तथा एम्स प्रशासन व जिला प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। इसके बाद प्रभावित क्षेत्रों के लोगों ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें स्थानीय तथा प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा किए जाने की मांग की गई है। डीसी कार्यालय के बाहर आयोजित धरने को संबोधित करते हुए इंटक के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता भगत सिंह वर्मा व जिला भाजपा के महामंत्री एवं राजपुरा पंचायत के उप प्रधान सदैव शर्मा, नौणी पंचायत प्रधान निर्मला राजपूत सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि एम्स के क्षेत्र में 7 पंचायतें प्रभावित हुई हैं तथा इसके निर्माण कार्य से लोगों की जमीनें, पीने के पानी, बावड़ियां, रास्ते आदि टूट गए हैं, जबकि निर्माण कार्य से निकलने वाली मिट्टी से नाले बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वे एम्स के निर्माण का विरोध नहीं करते, लेकिन एम्स में स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि गत दिनों एम्स में सुरक्षा गार्ड सहित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की गई। ये भर्ती चिट्ठों पर की गई तथा इसमें बाहरी लोगों को तवज्जो दी गई, जो कि स्थानीय लोगों के हितों से सीधा खिलवाड़ है। उन्होंने मांग की है कि एम्स में स्थानीय व प्रभावित पंचायतों के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन संबंधित कंपनी स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की अपेक्षा बाहरी लोगों को रोजगार दे रही है। सभी ने एक सुर में बाहरी लोगों को रोजगार देने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की तथा चेतावनी दी है कि यदि स्थानीय लोगों के हितों से खिलवाड़ बंद न किया गया और स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता न दी गई तो आने वाले समय में एम्स के बाहर उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा, और यदि इस दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन व एम्स प्रशासन की होगी। भगत सिंह वर्मा एडवोकेट और इंटक का प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। पिछले दिनों एम्स के अंदर कुछ भर्तियां हुई है आउटसोर्स पर, उनको लेकर के स्थानीय लोगों में, स्थानीय पंचायतों में और उस इलाका के बेरोजगार नौजवानों में बहुत आक्रोश है, और उस आक्रोश को लेकर के उसका परिणाम है कि आज स्थानीय लोगों ने यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर के कार्यालय के सामने धरने का आयोजन किया है। इसमें राजपुरा पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, मेम्बरान, बीडीसी मेंबर, आपके कचौली पंचायत, आपकी नौणी पंचायत, आपकी राजपुरा, कोठीपुरा और कल्लर पंचायत और उसके साथ भी जो लगती पंचायतों के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा प्रोटेस्ट है कि एम्स के पास, देखिए जो वहाँ पर एम्स अथॉरिटी है वो चोर दरवाजे से वहाँ पर आउटसोर्स पर जो एम्प्लॉय कर रहे हैं, चाहे वो वॉचमैन की बात हो, सिक्योरिटी गार्ड्स की बात हो या कोई क्लास फोर लगाने की बात हो, माली, चपड़ासी, पीएन, ये तमाम जिस तरह की ये एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं आउटसोर्स, वो स्थानीय लोगों को वंचित कर रहे हैं और बाहर के लोगों को चिट्टों पे भर्ती कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। हमें कहते हैं कि स्थानीय लोगों को रिहैबिलिटेट करने की बात है। हमारे वहाँ पर पानी के सोर्स बंद हो गए, ख़त्म हो गए, वहाँ पर स्थानीय जो हमारे पुश्तैनी रास्ते थे वो ख़त्म हो गए। आज गेट की बात है, हमने पिछले दिनों हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों ने वहाँ पर कहा था कि राजपुरा, कचौली, आपका कोठीपुरा, नौणी के लोगों को जब वहाँ पर अंदर प्रवेश करना है तो वहाँ पर गेट 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा हमें मेन गेट से। तो हमने कहा था कि राजपुरा पंचायत से वहाँ से एक गेट रखिए ताकि स्थानीय लोगों को जाने में असुविधा ना हो। वहाँ पर हमारे रास्ते ख़त्म हो गए, हमारे चरांद की भूमि थी वो सारी, उसमें वो सारी यूटिलाइज हुई एम्स के लिए। ठीक है, इन लोगों ने कुर्बानी दी है, स्थानीय लोगों ने, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी कॉस्ट पे आप बाहर के लोगों की भर्ती शुरू करें और इनको इग्नोर करें। तो ये तमाम प्रतिनिधि, तमाम लोग आज इकट्ठे हुए हैं तो उन ये इसी बात को लेकर के आज जिलाधीश के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम एक ज्ञापन दे रहे हैं कि एम्स का जो निर्माण हो रहा है उसका हम वेलकम करते हैं, मगर एम्स के अंदर जो भर्तियां होंगी वो रेफरेंस से भर्ती नहीं की जाए,
वो चीटों पर भर्ती नहीं की जाए, वो चोर दरवाजे से भर्ती नहीं की जाए, तो उसका फिर हम विरोध कर रहे हैं। और आने वाले अगर इसी तरह से उन्होंने भर्तियां बंद नहीं की तो हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जिला प्रशासन को। और वहां पर मैं समझता हूं कि जब हम जाएंगे तो लैंड ऑर्डर की समस्या भी होगी, और जिस उसके लिए जिम्मेवार आपका प्रशासन रहेगा, हिमाचल प्रदेश सरकार रहेगी, अन्यथा इस जाति को बंद करें। और ये जो हमारा डिमांड्स हैं इनको सरकार सुने और जिला प्रशासन इंटरवीन करें, ये मेरा कहना है। मेरा नाम सत्यदेव शर्मा, मैं दो बार पंचायत प्रधान रहा हूँ, अभी उप प्रधान के पद पर हूँ। जो हमारे यहाँ राजपुरा पंचायत और कोटपुरा पंचायत में एम्स का निर्माण हो रहा है, उसके लिए हमने काफ़ी दिनों से कंपनी वालों से, एम्स वालों से बात करी कि जितना भी रोजगार है आप स्थानीय जो हमारे लोग हैं उनको दें। बार बार आग्रह करने पर भी ये लोग जो हैं बाहर से लोगों को यहाँ रख रहे हैं, इससे जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनमें बहुत नाराज़गी है। और हमारे जितने भी पंचायत स्तर के, चाहे बाउडी, कुएँ, सब खराब हो चुके हैं। जितना भी इन्होंने निर्माण कार्य एनसीसी कंपनी ने भी किया है, कटान वगैरह सारी मिट्टी पीछे बरसात को जितनी भी मिट्टी थी, लोगों के कुएँ भर गए, बौड़ियाँ खराब हो गई, बाकी हमारे जितने भी वहाँ सीमेंट बन रहा है, कंक्रीट वगैरह जितने भी नाले हैं हमारे, सब प्रदूषित हो चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसके लिए ही हमें जो आज जो है यहाँ, पहले भी हमने धरना प्रदर्शन दिया, आज भी हम यहाँ पर ज्ञापन सभी पंचायत के लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे राजपुरा पंचायत और कोटपुरा पंचायत के जो पंचायत के लोग हैं उनको परसेंटेज दी जाए, जो बाकी हमारा परसेंटेज देने के बाद जितने भी हमारी लगती पंचायतें हैं उनको रोजगार दिया जाए, ये हमारी मांग है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम वहाँ धरने पर बैठने के लिए भी मजबूर होंगे।